lot of things. So basically in today's class we will learn about how exactly we grew up. हम बड़े होते होते क्या क्या चीजें हम सीख रहे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्विक एक्टिविटी. ठीक है, इन दिस स्लाइड यू आर बेसिकली सीइंग मल्टीपल पिक्चर्स. सो बेसिकली यू हैव टू थिंक अबाउट वॉट आर यू सीइंग इन दिस पिक्चर्स एंड वॉट आर द किड्स डूइंग इन दिस पिक्चर. राइट, बेसिकली हर फोटो में ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, दे आर लर्निंग समथिंग, दे आर लर्निंग वन थिंग और दी अनदर फ्रॉम ग्रोन अप्स. जो बड़े लोग हैं उनसे दे आर लर्निंग, कुछ ना कुछ तो हर पिक्चर में सीख रहे हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आस्क पीपल टू कम ऑफ म्यूट एंड शेयर देयर रिस्पॉन्सेज एज वेल. सो वी विल टेक 30 सेकेंड्स टू डू दिस. क्विकली गो टू द चैट बॉक्स एंड टाइप योर रिस्पॉन्सेज एंड वी विल कम बैक आफ्टर 30 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, I'm looking at the chat box. Cooking. Okay. Cooking. Only cooking. Brushing teeth. Teeth kahan brush kar raha hai? Boys wash buffalo. Great. So a lot of things you are seeing in this picture. Okay, people who want to come off mute and share, they can raise their hands. I can see Sanjana is raising her hand right now. Sanjana, go ahead. हाँ भैया, इस पिक्चर में हमें बहुत सारे, मतलब इसमें हमें 5 पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें किसी में बाइसिकल एक लड़का चला रहा है, वो सीख रहा है कि कैसे चलाया जाता है. एक में दादी की कहानियां सुना रही है, और उसके बाद बफेलो को सब नहला रहे हैं. उसके बाद कुकिंग कुकिंग जैसे हम देख रहे हैं, पीछे वो लड़की देख रही है. बहुत सारे ऐसे चीजें रहते होंगे. फिर बेसिकली मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लड़की कुकिंग सीख रही है, यहाँ पे लड़का साइकिल चलाना सीख रहा है, यहाँ पे बफेलो धोना सीख रहा है. ठीक है, 2 इमेजेस बच गए हैं. रेस्ट ऑफ द 2 इमेजेस के बारे में कौन बताएगा? दिस वन एंड दिस वन. स्वराज, वुड यू लाइक टू कम ऑफ म्यूट एंड शेयर व्हाट आर द किड्स लर्निंग इन दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर? भैया साइकिलिंग कर रहा है बच्चा, और एक बफेलो को क्लीन कर रहे हैं. और एंड इस पिक्चर में बताओ, ये पिक्चर में जो मैंने राउंड राउंड किया है कौन से भैया? ये उसमें ग्रैंडमा उस बच्चे को कहानी सिखा रही है. Yes, so basically, yes. So they are learning story, right? So there are multiple things which these kids are learning from their grown-ups. So यही सारी हमने अलग-अलग चीज़ें आपने भी बचपन में सीखी होगी, right? When you were younger and now as well, you are learning multiple things. So this is what is called upbringing. So upbringing is nothing but that we learn many different things while we are growing up. They lead to the development of certain habits, likes and dislikes. They shape our views and thoughts. This is what is known as upbringing. So basically, जब आप बच्चे थे, so आपने multiple चीजें सीखी है, ठीक है? Where you were learning to walk. You learned to walk. Earlier, you were not able to walk. So आपने पहले crawl करना सीखा, फिर crawl से धीरे धीरे आपने walk करना सीखा. उसके बाद you learned to ride a bicycle, ठीक है, आपने cycle चलाना सीखा. Then you learned brushing your teeth. So where did you learn all these activities from? You either learned it from your grown-ups, from your neighbors or from your parents, right? Most of the activities you learned it from your parents. So over here, let's do a quick reading that you must have seen photographs of your childhood. आप सभी ने अपने बचपन की फोटोज देखी होंगी, ठीक है, छोटी छोटी फोटोज देखी है आपने. येस और नो, टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो आपकी कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली यू फर्स्टली बिगन टू क्रॉल, आपने क्रॉल करना सीखा. ऐसे ऐसे पहले आप डायरेक्टली चलना नहीं सीख गए थे, पहले आपने क्रॉल किया. देन यू लर्न हाउ टू वॉक, देन आपने चलना सीखा. देन यू लर्न हाउ टू टॉक, बोलना सीखा आपने, ठीक है.
बेसिकली जब आप बहुत छोटे थे तब आप बोल भी नहीं पा रहे थे, फिर धीरे धीरे आपने चलना सीखा, धीरे धीरे बोलना सीखा। फिर इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू लर्न मैनी मोर थिंग्स, यू लर्न हाउ टू ब्रश योर टीथ, सीन दिस पिक्चर ऑल्सो दिस किड इज लर्निंग हाउ टू ब्रश टीथ, यू लर्न हाउ टू ब्रश टीथ, यू लर्न हाउ टू बाथ, नहाना कैसे, हाउ टू ईट, खाना कैसे बिना खाना फैलाए। बचपन में किसी ना किसी को पक्का अपनी मम्मी से डांट पड़ी होगी कि क्यों खाना फैला रहे हो, क्यों यहाँ वहां फेंक रहे हो। तो बेसिकली ओवर टाइम यू लर्न हाउ टू ईट फूड क्लीनली विदाउट स्पिलिंग, खाना को बिना फैलाए कैसे खाना है। वट एल्स वी लर्न हाउ टू बिहेव विद पीपल ओल्डर देन यू, जो लोग हमसे बड़े हैं उनसे कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। वी लर्न मैनी मोर थिंग्स बिसाइड दीज बेसिक वंस, ठीक है। इन बेसिक चीजों के अलावा हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। हाउ टू फिल योर स्कूल बैग, हमें अपना स्कूल का बैग कैसे लगाना है, साइकिल कैसे चलानी है, सेलफोन कैसे चलाना है, फोन पे गेम कैसे खेलना है। फोन पे गेम तो सभी खेलते होंगे, ठीक है, उसमें सभी सबसे आगे होंगे, ठीक है। व्हेन व्हेन टू फीड एनिमल्स, व्हेन टू फीड कैटल्स, जो आसपास जो कैटल्स है हमारे, जो एनिमल्स है उनको कब खाना खिलाना है, कैसे खिलाना है। हाउ टू बाय ग्रोसरीज, मार्केट से जाकर के ग्रोसरीज, डेली का सामान, राशन कैसे लाना है। हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स, जो अनजान लोग है, स्ट्रेंजर्स मीन्स अनजान लोग जिनको हम नहीं जानते, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनसे कैसे बात करनी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू हैव लर्न, जब आप बच्चे से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट वेयर डिड वी लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम, ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी। ओके, प्रसाद इज रेजिंग हिज हैंड, यस प्रसाद। पेरेंट्स, यस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने पेरेंट्स से सीखी। जब हम बच्चे थे तो पेरेंट्स वर पीपल हु वर टेकिंग द अटमोस्ट केयर ऑफ अस, उन्होंने हमें चलाना सिखाया, ठीक है। वी लर्न टू वॉक, वी लर्न टू टॉक, हमने उनसे बोलना सीखा, वी लर्न हाउ टू बिहेव विद अदर्स, ठीक है। चलो अब थोड़ी एक दो चीजें आप बताओ। यस रुशाली, टू फैमिली, फ्रॉम फैमिली, फैमिली से हमने काफी सारी चीजें सीखी। तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने हमें को बहुत सारी चीजें सिखाई है। ऑल्सो जब हम गलतियां करते हैं, वेन वी मेक मिस्टेक्स दे शो अस हाउ टू करेक्ट देम, ठीक है, वो हमको सिखाते हैं कि कैसे हमको उस गलती को ठीक करना है। एंड ऑल्सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर टीचर्स एज वेल, राइट। भैया एंड दीदी से भी आप डेली डेली नई नई चीजें सीख रहे हो। एंड ऑल्सो आपके पेरेंट्स आपको ये भी सिखाते हैं कि दैट हाउ यू कैन बिकम गुड पीपल, बेसिकली आप बड़े होकर कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमारे बचपन से बड़े होने तक वी आर लर्निंग मल्टीपल थिंग्स। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड अवर अपब्रिंगिंग, हमारी हैबिट्स डेवलप होती है, हमारी आदतें डेवलप होती है, हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है, वी गो गेट टू नो अबाउट दिस, ठीक है, एंड मल्टीपल थिंग्स वी आर लर्निंग। सो कैन समवन समराइज वॉट एवर वी लर्न इन दिस स्लाइड सो फार। आज का लेसन देखो स्टोरी जैसा है, कहानी जैसा है। आज के लेसन में ज्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बिल्कुल स्टोरी जैसा है आज का लेसन, बहुत ज्यादा इजी एंड स्टोरी जैसा, ठीक है। चलो ओमकर, लेट्स हियर फ्रॉम यू। भैया हमने मतलब हम कैसे हमारे मतलब हेयर स्टाइल को अच्छा करें, मतलब वो कंघी से हम कैसे अच्छा करें, वो पैरेंट से सिखाया है। ओके, तो आपने हेयर स्टाइल अच्छा करना सीखा पेरेंट्स से, एंड ब्रश करना, बात करना बिना फैलाए, खाना खाना, राइट। हमारे लाइफ में जो जो वो पेरेंट्स मतलब हमें सिखाया, पेरेंट्स ने सिखाया, ग्रेट। साइकिल चलाना आता है किसी को? मुझे आता है भैया, मैंने चलाई है। साइकिल चलाना सीख चुके हैं आप सभी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स जो जो सब साइकिल चलाना सीख चुके हैं, ग्रेट, ऑसम। सो बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ग्रेट। बट अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जो जो आप सभी ने अपने पेरेंट्स से सीखा है, पेरेंट्स एंड रिलेटिव से, रिलेटिव्स मींस रिश्तेदार, तो जो भी आपने अपने पेरेंट्स एंड रिलेटिव से सीखा है उसकी लिस्ट बनानी है, एंड ये सोचना है कि आपने इन सारी चीजों के बारे में कैसे सोचा। सो एवरीबडी टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ। वी विल टेक 1 मिनट टू डू दिस, वी विल प्रिपेयर अवर लिस्ट कि हमने क्या क्या सीखा है अपने पेरेंट्स से एंड कैसे सीखा है, and then we will send this picture on our WhatsApp group. We will take 1 minute to do this and we will start coming back after 1 minute. So your time starts now.
let's start coming back in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Everybody start coming back and send me your pictures. I'm waiting for pictures of your list. People start sending me your pictures. I hope everybody must have learned multiple things from their parents. You just have to put them in a list and think about how did you learn this. Come on, time up, jitna bhi likh liya ab uska photo click karke send karna start karo. Ab list baad mein banana aap. Jaldi jaldi photos. I'm waiting for pictures. Omkar, I can see your hand is raised. Mistake, bhaiya. My mistake. Okay, so far only Prasad has sent me his picture. Waiting for more students. Zyada badi list nahi banane ki zarurat hai, chhota chhota bana. Samruddhi has sent her picture. Great, how to play and how to ride bicycle, how to find solutions. Prasad has sent me, he learned about not to cry, to help, and Vaishnavi also sent a list. So rest of you can send me your list. So basically all of you now were able to recall what are the things that you have learned from your parents. So you should be always be grateful to them that they are teaching you lot of things and they are taking care of you, right? But all the things which we have learned. Now tell me, जो भी सारी चीजें आपने सीखी है, क्या सारी चीजें आपको parents ने सिखाई है आपके? Tell me, I have given you unmute rights now. You can raise your hand. Yes, Yash. Let's hear from Yash. भैया, हमने भी कुछ चीजें सीखी. मैंने खुद से फुटबॉल खेलना सीखा, क्रिकेट खेलना सीखा, मैंने प्लेइंग खुद से खेलना सीखा. खुद से क्या खेलना सीखा आपने? समृद्धि, भैया, एवरीथिंग, नॉट आवर पेरेंट्स ओनली टीच, अदर आवर फ्रेंड्स, आवर नेबरहुड आल्सो टीच. लाइक आई हैव मींस लर्न बाय साइकिल बाय माय पेरेंट्स आल्सो एंड बाय माय फ्रेंड्स आल्सो. सो बाय योर फ्रेंड्स आल्सो यू हैव लर्न. सो पेरेंट्स आर नॉट द ओनली वन हु आर टीचिंग अस. यस प्रसाद, गो अहेड. हम ना अकेले, मतलब पेरेंट्स हमें नहीं सिखाते, हमारे फैमिली मेंबर भी सिखाते और फ्रेंड और टीचर भी सिखाते हमें कैसे मतलब रहना चाहिए और मतलब अच्छी हैंडराइटिंग सब करना चाहिए. टीचर भी सिखाते हैं. मेरा एक रहेगा, मैं बताओ अभी. सब सिखाते हैं मतलब. यश, इट्स आई विल गिव अदर पीपल चांस नाउ. सो संजना, would you like to go off mute and share? Yes, bhaiya. हमें parents बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, मतलब run करना, walking ऐसी, करना. ऐसी संजना, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप खुद से सीख रहे हो? Teach, running. ऐसी कौन सी चीज है? मैंने एक चीज खुद से सीखी है, वो है मेरी राइटिंग. ना मेरे फादर ने मुझे सिखाई है, ना मेरे मदर ने. मैंने खुद से अपनी राइटिंग को धीरे धीरे अच्छा किया है, इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी, मैं अच्छा कर पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत स्लो लिखती हूँ. वेरी गुड संजना, इट्स ग्रेट टू हियर दैट यू लर्न राइटिंग ऑन योर ओन.
सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट नॉट एवरीथिंग इज बीइंग टॉट टू अस, सारी चीजें हमको सिखाई नहीं जाती, हम लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, ऑब्जर्व मतलब देख करके, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, सिर्फ दूसरों को देख के हम कई सारी चीजें सीख जाती है। ऐसा कभी हुआ है अपने अपने फ्रेंड्स को कुछ करते हुए देखा हो एंड देन आपको भी सेम चीज करने का मन किया हो, तो करते करते यू लर्न इट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग योर फ्रेंड्स। अपने अपने फ्रेंड्स को सपोज मान लो डांस करते हुए देखा तो आपको भी डांस करने का मन किया, आपने उनके स्टेप्स कॉपी करना स्टार्ट किए एंड धीरे धीरे आपने देखा कि आप डांस करना सीख गए। अब आपको किसी ने डांस करना सिखाया नहीं, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग योर फ्रेंड्स डांसिंग यू लर्न हाउ टू डांस योर सेल्फ। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट दैट वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग। सो लेट्स क्विकली रीड द पॉइंटर्स। एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉट टू अस बाय समबडी। हम जो भी चीज सीखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई हमें सिखा ही रहा हो। We pick up many things through observation and through exposure. हम लोग बहुत सारी चीजें simply देख करके या चीजों को experience करके, चीजों को महसूस करके खुद से सीख जाते हैं। How do our friends speak? हमारे दोस्त कैसे बात करते हैं? What clothes do they wear? वो क्या कपड़े पहनते हैं? What games do they play? वो कौन सा game खेलते हैं? How do they study? वो लोग क्या पढ़ते हैं? तो ये सारी चीजें हम अपने friends के बारे में observe करके हम लोग ऑब्जर्व करके ही सीख जाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं तो हमें भी उसी टाइप के कपड़े पहनने का मन करता है। अगर मेरे पड़ोस में कोई मेरा दोस्त डेली डेली फुटबॉल खेलने जा रहा है तो मेरा भी मन कर जाएगा फुटबॉल खेलना। एक बार मैं उसके साथ फुटबॉल खेलने चला गया तो मैं भी फुटबॉल खेलना सीख जाऊंगा। सो ये सारी चीजें हम सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं एंड बहुत सारी चीजें तो वी पिकअप अनकॉन्शियसली, वी पिकअप मैनी ऑफ दीज थिंग्स अनकॉन्शियसली। डेट मतलब हमको बैठ करके कॉपी पेन खोल के हर चीज को सीखने की जरूरत नहीं होती, कई सारी चीजें हम लोग ऑटोमेटिकली बिना कोई एफर्ट डाले अपने आप ही सीख जाते हैं। मैनी टाइम्स वी ऑल्सो बिगिन टू बिहेव लाइक अवर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के जैसे हम लोग कई बार बिहेव करने लगते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो कर रहे होते हैं हम भी वही करने लगते हैं। सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम सिंपली देख करके एक्सपीरियंस से एंड ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली थिंक अबाउट दीज टू क्वेश्चंस कि बेसिकली हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या पसंद है, व्हाट डू वी लाइक अबाउट अवर फ्रेंड्स एंड व्हाट डू वी डोंट लाइक एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम अवर फ्रेंड्स, जो कि हम अपने फ्रेंड्स से सीखना चाहते हैं। सो एवरीबॉडी टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स, वी विल टेक 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दीज टू क्वेश्चंस एंड टाइप इन अवर रिस्पॉन्सेज एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स वी विल कम ऑफ म्यूट एंड शेयर अवर रिस्पॉन्सेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Omkar is telling he learned to study and not fight. Prasad also learned the same thing. Prasad, I'm sure you might have learned a couple of different things as well, apart from studying and not fighting. Think about all the beautiful things which you have learned from your friends. I'm waiting for chat box responses from Santosh, Nandini, Sanskruti, Shubham, Ayush, Arush, Rudra, Manish, Yash. Great. So a lot of responses in the chat box, a lot of varied things which you have learned. So let's start hearing from people. Okay, let's start off with Samruddhi this time. I like to learn from my friends how they create new games and I like the, about my friends is that how they behave neatly with friendly. How they behave with others, right? And also you learn to play games, different games. No, that not. Means how to create. How to? Create. No, and means I want to say that create.
that. Maybe you are pronouncing some word wrong. Or... Yes. चलो हिंदी में बता दो क्या क्या सीख रहे हो आप. Banana, banana to make. क्या banana? Games. Means how they make like different things. Different things to banana. Okay, great, awesome. You are learning quite different things. Let's hear from Sanjana now. भैया जो आपने फर्स्ट थिंग पूछी है व्हाट डू यू लाइक ऑलवेज योर फ्रेंड व्हाट डू यू नॉट लाइक तो मेरे फ्रेंड्स में ज्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं थे बट फ्रेंड्स में मेरे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स है 10th स्टैंडर्ड के 5th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के यही सब थे हम हाइड एंड सी खेलते थे उनमें से मुझे एक मिला कि ये इन सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और मैंने एक दिन सबसे पूछा कि तुम सब क्या बनना चाहते हो तो एक ने बोला कि मैं टीचर बनूंगी ऐसे बहुत सारे थे मैं भूल गई हूँ लेकिन अभी मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में. Awesome, Sanjana. So, आपने हाइड एंड सीख खेलना सीखा अपने फ्रेंड्स से आपने जाना कि उन्हें क्या बनना है बड़े होकर के किसी को टीचर बनना है ग्रेट सो वी लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अवर फ्रेंड्स एज वेल. यश आपने क्या क्या सीखा? भैया मैंने फ्रेंड्स से मेरे रनिंग सीखा गुड रनिंग फास्टर मैंने मेरे फ्रेंड्स से मतलब गेम खेलना सीखा मतलब हमारे प्लेग्राउंड पे और मेरे फ्रेंड से मैंने अच्छे हैंडराइटिंग सीखी मेरे फ्रेंड से मैंने डिवाइस चलाना सीखा मेरे फ्रेंड के वजह से मेरे फ्रेंड्स की वजह से मैं बाइसिकल भी सीखा. ऑसम चलो सब ने मल्टीपल चीजें सीखी एंड चलो फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर को डेप्थ में जानते संस्कृति वुड यू लाइक टू कम ऑफ म्यूट एंड शेयर व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड व्हाट डू यू नॉट लाइक. Like my friends, they talk to me. You like to talk to your friends. And what do you not like about your friends? आपको अपने friends के बारे में क्या पसंद नहीं है? मुझे वो मारते हैं वो पसंद नहीं. मारते हैं आपके friends आपको? क्यों मारते हैं? मैं से एक गम्मत में बोलती हूँ ना तो वो ऐसी बिना बात के मारपीट चालू हो जाता है क्या? चलो ग्रेट सो सभी अपने फ्रेंड से मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं हाइड एंड सीख सीखा किसी ने रनिंग सीखा किसी ने डिवाइस चलाना सीखा सो यू कैन कीप ऑन टू दैट गुड वर्क कीप लर्निंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स आल्सो. सो दैट वाज बेसिकली लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग कि सारी चीजें हमको हर कोई सिखाता नहीं है. We learn by a lot of things. We learn by observation as well. Simply देख करके अपने friends के साथ खेल के सीख खेल के उनको देख के हम सीख जाते हैं. So अभी now we have one more activity. ठीक है, we have three pictures in front of us. ठीक है, यहाँ पे ये लड़का है जिसका नाम है प्रताप. Over here there is this small girl whose name is Hina. And over here we have one more small girl whose name is Supriya. So Pratap, Hina and Supriya. तीनों हर फोटो में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. All three of them are doing or learning some one or the other activity from their grown-ups and from their neighbors. So basically, we have to write down what are Pratap, Hina and Supriya learning from their neighbors. फोटो को देख के हमको पता करना है कि ये तीनों क्या सीख रहे हैं. तो लिस्ट बनी हुई है प्रताप, हीना, सुप्रिया. ठीक है, आपको अपने यहाँ पे बगल में जाकर के लिख देना है कि ये तीनों क्या सीख रहे हैं. So basically you have to discuss this in your breakout rooms and then write it down. Sabhi aapas mein discuss karenge and then likhenge. So before we start this breakout room activity, can somebody click a picture of this and post it on the WhatsApp group? Samruddhi, yes, any doubt? Bhaiya, we have to write, make the table. Yes, you have to make the table and write. So everybody has to do this in breakout room. For this activity, we won't be having any group leader. आपको बस आपस में discuss करना है कि तीनों क्या कर रहे हैं. ठीक है,
बेसिकली किसी को क्या लग रहा है, एक दूसरे के थॉट्स को डिस्कस करना है एंड देन लिख के सभी को फोटोज भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। इस बार वॉन्ट बी द केस डेट ओनली ग्रुप लीडर इज सेंडिंग, एवरीबडी विल बी सेंडिंग दी फोटोज। सो इफ यू आर क्लियर थम्स अप, एनी डाउट्स रेज योर हैंड। यस संजना भैया मुझे ना डाउट है कि ये हम सब लिखेंगे क्या, जो 3 रहेंगे तो हम नोटबुक में लिख के आपको भेजेंगे। यस नोटबुक में लिख, पूरा नहीं लिखना है भैया, मैसेज लिख सकते हैं ना, पहले नाम फिर उसके बाद, जैसे यहाँ फर्स्ट पिक्चर में वॉकिंग कर रहा है तो हम उसके आगे वॉकिंग लिख सकते हैं। राइट एब्सोल्युटली, सिर्फ नाम लिखो एंड ये लिखो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक डाउट है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखना है, नाम लिखना है एंड वो क्या सीख रहे हैं वो लिखना है। आप भैया 2 वीक हो गए ना, 2 वीक हो गया। मॉनिटर हम चेंज करेंगे, एक बार दीदी वापस आ जाती है ना मंडे को दीदी जब वापस आ जाएंगी देन वी विल चेंज द मॉनिटर। कहां गई है भैया दीदी, उन्होंने बहुत दिन की छुट्टी दे दी, पता नहीं चला कहां गई। दीदी बीमार है, कहीं गई नहीं है, कहीं घूमने निकली है क्या? शी इज सिक, बीमार है। ठीक है चलो लेट्स, क्यों क्या हुआ? दीदी जब वापस आएंगी ना तो उन्हीं से पूछना क्या हुआ। चलो लेट्स स्टार्ट दी ब्रेकआउट रूम। योर रूम्स आर ओपन, स्टार्ट जॉइनिंग योर रूम्स। Malhar, you haven't joined your breakout room. Wait, I'll put 4 of you in the breakout room. Assign to room 4. Shubham, you two also join your breakout room. You are in room number 3. Or you could discuss here as well. Priya, Didi, living next to us, loves to read story of nice story books to read. What do you think, Prasad? Then I think he learning reading books. Page number 108. भैया हमको ग्रुप लीडर डिस्कस करना है ना? नहीं ग्रुप लीडर नहीं है, ये सबको खुद से करना है, बस आपको डिस्कशन करना है कि कौन क्या कर रहा है। भैया मैं कब से बोल रही हूँ तो कोई नहीं बोल रहा कि नहीं ग्रुप लीडर बनेगा, अब तक तो हम ये तीनों पिक्चर्स के लिख के खाली हो गए होते। भैया ग्रुप लीडर होगा जरूर। भैया वो लास्ट वाली क्या कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ तो यही इसलिए तो ग्रुप बनाया गया है, जिसको समझ आया गया वो हेल्प करो, टीम वर्क करना है आपको, एक दूसरे की हेल्प करके आंसर तक पहुंचना। संजना लास्ट वाली बूढ़ी दादी क्या कर रही है?
आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं? रुद्र एंड वैष्णवी, आपको समझ में आया ना क्या करना है? रुद्र एंड वैष्णवी आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप दोनों Try to understand what we have to do. Vaishnavi, were you able to follow? Basically, photos देख के आपको पता करना है कि what are the kids learning? छोटे छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं? पहली फोटो देखो, पहली फोटो में क्या हो रहा है? प्रताप क्या सीख रहा है? पहाड़ चढ़ना सीख रहा है ना वो? देखो, एक बड़े से बुजुर्ग इंसान के साथ, there is an old man. He's trying to walk and climb a hill with him. Yes. Similarly, दूसरे पिक्चर में हीना जो है, हीना क्या कर रही है? ग्रैंडमा के साथ कुछ सीख रही है ना? हाँ. What is she learning? झाड़ू लगाना सीख रही है. झाड़ू लगाना सीख रही है. And एक और पिक्चर में सुप्रिया जो है वो क्या सीख रही है? रीड करना. रीड करना सीख रही है. एक बार तीनों क्या क्या सीख रहे हैं आप इंग्लिश में बताओगे मेरे को? व्हाट इज प्रताप, सुप्रिया एंड हीना लर्निंग? हिंदी में यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, बस आपको इंग्लिश में सेम चीज बतानी है. लाइक फॉर एग्जांपल, सुप्रिया अगर पढ़ना सीख रही है, देन सुप्रिया इज लर्निंग टू रीड फ्रॉम दीदी. सिमिलरली What is Hina learning? क्या चल रहा है? होम कर डिस्कशन चल रहा है? आंसर्स फिगर आउट कर लिया आप सभी ने? यस भैया. हो गया सभी का? ग्रेट. या मनीष इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग. Manish is not speaking in English. In what language is he speaking? Marathi. Marathi. Yeah, bolo Marathi. English par try karo, English mein answers ho. Because Royal Roses is an English medium school, na? There must be some advantage of speaking English. By speaking English, your global opportunities will open up. Later on, you can go anywhere and study from anywhere. You can work anywhere. So that is why speaking and practicing English is extremely important. भैया, मुझे एक बात की नहीं है. भैया, मैं आपको मैं hand raise करता हूँ, तभी भी आप मुझे पूछते नहीं हो. अच्छा स्वराज. नहीं क्या मैं? स्वराज, आपके आपका जो वीडियो होता है ना, वो एकदम नीचे आता है, तो मैं जब नीचे स्क्रॉल कर करके जाता हूँ ना, तब आपका दिखता है मेरे को. तो जब भी आपका मेरे को दिख जाता है ना, मैं आपको बोलता हूँ ऑफ म्यूट आके बोलने को. पर जब मेरे को हर टाइम आपका वीडियो नहीं देख पाता हूँ मैं, तो आप ना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो जो भी आपको बोलना होता है ना. यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. भैया. हाँ मल्हार बोलो. भैया, मेरी बहन की क्लास था ना 12 बजे, इसलिए मुझे पता नहीं चला क्या हुआ पीछे. ठीक है, तो I will share the class recording with you, Malar. Class recording में you can watch and you will know what we have done today. चलो then let's start closing our rooms and let's start coming back to the main room. Let's start coming back. I can see a couple of students have shared me their responses. I have received answers from Omkar, Samruddhi and Prasad so far. Also Swaraj, waiting for other people to send me in their responses. Great. So I hope all of you got to engage and discuss what are Pratap, Supriya and Hina learning. So let's hear from a couple of people. People who want to share can raise their hands. Chalo, let's hear from
Why do only Prasad, Omkar and Samruddhi raise their hands? Why not Rushali? Why not Nandini, Manish, Santosh? I have never heard from Santosh, Manish and Yash, Dimdime and Malhar. I want your participation as well. I am not taking class only for 3 or 4 students, right? I'm taking class for all of you. I want all of you to engage and all of you to take active participation. The people who are not raising their hands, I will ask from them. क्या कर रहे हैं? Simply है. सामने देखो, फोटो में देख के ही समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है. Simply आपको वो बताना है. ठीक है? तो चलो, I will ask from Santosh this time. Santosh, switch on your video and tell me what is Pratap learning. प्रताप क्या सीख रहा है? बताओ संतोष, व्हाट इज प्रताप लर्निंग? प्रताप इज लर्निंग समथिंग. ठीक है, विद दिस ओल्ड मैन ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग. सो टेल मी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. ये छोटा सा बच्चा क्या सीखना चाह रहा है? चलना सर. वॉक करना सीख रहा है. ओके, थिंक मोर. यू आर पार्शियली करेक्ट. थिंक मोर. वेयर ही इज ट्राइंग टू वॉक. कहां पे चलना सीख रहा है? इफ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम टेक्स्ट एज़ वेल. गार्डन. गार्डन, आर यू श्योर? आई कैन सी वैष्णवी इज रेजिंग हर हैंड. वैष्णवी, गो अहेड. पार्ट पे चलना सीख रहा है. यस, absolutely correct. So in the photo we can see that he's trying to learn to climb a mountain. Basically chalna seekh raha hai, but where? On the hills. He's trying to learn to walk on hills. So this is what he's trying to do. Great. Now who would tell me what is Hina learning to do? Okay, let's hear from Sanjana. Sanjana, you are speaking on mute. चलो ऑन कर. यू टेल. ग्रैंडमदर इज डूइंग विद ओवन वर्क. मतलब उसकी खुद का मतलब काम कर रही है और मतलब उससे हिना भी लर्न कर रही है कि खुद का काम कैसे करे. तो बेसिकली एग्जैक्टली क्या लर्न कर रही है? वो How to work herself. How to be self-reliant. अपना काम कैसे खुद किया जाए. Basically, Hina observed that this lady being so old, she is cleaning her own yard. वो अपना yard जो है खुद से साफ कर रही है झाड़ू मार के. कितने बूढ़े होने के बाद भी she is doing her work by herself. So she learned how to be self-reliant. How to do our work on our own. Right. And भैया मैं सुप्रिया का भी बताऊँ. नहीं, सुप्रिया का वी विल आस्क फ्रॉम समवन एल्स. लेट्स हियर फ्रॉम यश. भैया सुप्रिया इज वर्किंग. सुप्रिया इज वर्किंग. क्या काम कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया वर्क तो सभी कर रहे हैं. क्या वर्क कर रहे हैं? वो सुप्रिया दादी के साथ काम कर रही है. सुप्रिया ये है यश, दिस पिक्चर दादी वाला होगा. सुप्रिया ये भैया सुप्रिया बुक रीड कर रही है. बेसिकली शी इज लर्निंग टू रीड बुक्स. सो बेसिकली शी इज लर्निंग इट फ्रॉम हर दीदी व्हिच इज लिविंग नेक्स्ट टू हर हाउस. ठीक है, शी ऑफन गिव्स सुप्रिया स्टोरी बुक्स टू रीड. सो ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व दैट वी लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अवर नेबर्स एज वेल. हमारे आसपास जो पड़ोसी है, जो आसपास जो हमारे लोग रह रहे हैं, वो भी हमको कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं. राइट. So, ये सारी चीजें हेल्प करते हैं हमारी किस चीज में? वन वर्ड, दैट इज अपब्रिंगिंग. कि हम बड़े कैसे हो रहे हैं. हम सभी को बड़े होके वी वॉन्ट टू बी गुड पीपल और बैड पीपल. वी वॉन्ट टू बी गुड पीपल, राइट? हु आर सेल्फ रिलायंट, हु कैन डू देयर वर्क देमसेल्व्स, हु हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दीज ऑल पीपल आर हेल्पिंग इन अवर अपब्रिंगिंग. आई होप यू आर टेकिंग अवे दिस की मैसेज एंड यू कैन नोट दिस वर्ड इन योर नोटबुक्स एज वेल, अपब्रिंगिंग. So with that, we are at the end of our lesson. Let's close out by learning about one of the greatest man in our
history, which is Baba Amte. So Baba Amte ne kya kiya tha? Baba Amte spent his entire life in social service. Social service means samaj seva. And samaj seva means apne aaspaas ke logon ki help karna basically. So unhone apni puri life aaspaas ke logon ki help kari. Unke life ka jo goal tha, his lifelong goal was to serve people suffering from leprosy. Ab leprosy kya hoti hai? Leprosy is a bacterial disease basically. इससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं. तो जिन जिन लोगों को लेप्रोसी हो रखा था, जिन जिन लोगों को ये बीमारी हो रखी थी, बाबा आमटे ने उन सबकी हेल्प करी. एंड हैंडीकैप्ड लोगों को भी हेल्प करी. हैंडीकैप्ड मींस पीपल जो कि चल नहीं पाते, मींस जिनके हाथ या पैर में कुछ खराब हो गया जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड हैंडीकैप्ड पीपल. सो बेसिकली उनको खुद से अपने पैरों पर खड़ा करने में दे हेल्प है. So basically to help someone to stand on their own feet means to make them capable so that they are able to earn a living for themselves. ताकि वो खुद से अपने पैसे कमा पाए and खुद से अपनी life को जी पाए अच्छे तरीके से. So इन सभी की उन्होंने काफी help करी. उनका mission जो था, फिर उनके बाद बाबा आमटे जब चले गए, when बाबा आमटे died, then what happened? His sons and his daughter-in-laws took up his goal. So basically अब बाबा आमटे के बेटों ने उनके मिशन को कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करी. सो बेसिकली फिर वो लोग हेल्प करते गए. सो इस तरीके से बाबा आमटे की तीन जनरेशन ने, मींस उनके बच्चे एंड उनके बच्चों के बच्चे ने, सबने सोशल सर्विस करी, सबने दूसरे लोगों की हेल्प करी. सो दिस इज अ ग्रेट मैसेज टू टेक अवे फ्रॉम. सो नाउ टेल मी, डू ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम लाइक बाबा आमटे और नॉट? यू कैन कम ऑफ म्यूट एंड शेयर. Yes, bhaiya. Yes, right. We all want to grow up. To yes, bhaiya. Yes, bhaiya. We are helping each other, right? Yes, bhaiya. Yeah, उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया. Right. So, हम सबको भी बड़े होके अच्छा इंसान बनना है. So, with that, जो भी किया तो वो बहुत ही अच्छे.